हमारे पढ़ते हैं रहते हैं सेम माहौल है बल्कि यहाँ पे एडमिशन कराते हैं। ऐसा नहीं है कि गरीब बच्चे हैं पढ़ रहे सब पढ़ रहे मतलब ज्यादा जो है बच्चे बच्चियाँ जो है वो है। तो तकरीबन इतने सालों में अब 28 पोस्ट जो है वैकेंट है। प्राइमरी स्कूल में तो अगर जिसका उसमें बहन है आपको मालूम होगा सेग्रीगेटेड स्कूल में वो तो अलाउ नहीं है। 2015 तक जो है हाई स्कूल और पीएससी के लिए अलाउ करेंगे। 2015 तक अलाउ करें उसके लिए हम प्रपोजल बने तो या डीडीपीयू को भी एक दो प्रपोजल सबमिट करें मगर स्ट्रेंथ की कमी की वजह से हमारे को प्रपोजल उन्होंने पास करो उनके लिए कोई भी कॉलेज से पास करना दोनों अगर पास करें तो गवर्नमेंट ऑर्डर के हिसाब से हमारे भी पोस्ट देते हुए तो उस हिसाब से हमारे पे दो पोस्ट देंगे दूसरे कॉलेज के दो पोस्ट देंगे। तो मैं गुजरात साहब से गुजारिश करूंगा कि अब ऐसे काम सहज हैं जो कर सकते अल्लाह ताला उनको मिनिस्टर बनाया इतने सालों के बाद तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हम भी जो है जल्दबाजी नहीं करें क्योंकि गवर्नमेंट को उनके हाथों में नहीं हुआ थोड़ा उन्होंने भी एस्टैब्लिश होने दें हमारे भी प्रपोजल रखने आता उन्होंने भी थोड़ा क्या है पूरा जी मगर हमारा तो नहीं बिगड़ा था हमारा कभी कम नहीं बिगड़ा और लंबा जाने बड़े तो सब अब क्या है यहाँ पे मसला टीचरों का 28 वैकेंट कोर्स को हम जो है टेम्पररी आउटसोर्स में लेके ऑनरेरियम दे के तकरीबन 1,70,000 रुपये सोसाइटी जानी से कोई इनकम नहीं है सैलरी दे के स्कूल चला रहे सर बंद नहीं होना बोलिए पहले वाले भी चलाए तो उसको हम कंटिन्यू करें तो उर्दू इदारे में पहले तो एडमिशन लेने कोई आता नहीं वैसे सिचुएशन में उर्दू के लिए हम प्रमोट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे जबकि इंग्लिश मीडियम के और इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम के कई गवर्नमेंट स्कूल भी बंद हो गए तो वही हालत में हमारे पास तकरीबन 500 बच्चे पढ़ रहे बोर्डर टीचर्स नहीं है बड़ा मसला है। 2020 का भी जो है रिसेंटली गवर्नमेंट ऑर्डर आया मगर उसके लिए गाइडलाइन इशू नहीं हुए जिसकी वजह से होल्ड करके रखी गवर्नमेंट तो इंशाल्लाह वो भी आपके सामने हम प्रपोजल पूरे बना के रखे हुए हैं जब भी आएगा साहब से जो है रिक्वेस्ट करके उनसे जो जो हो सकता हम काम लेने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि वो करेंगे चालम भी है बशीर भी है हमारे समीर भी है वो तमाम जो है हमारे पीछे है हम सब भी है सब है तब ये तो होगा स्कूल की हालत। अब हमारा रिक्वायरमेंट यहाँ पे तो टीचर्स के बारे में तो बोल दिया मैं यहाँ पे जो है हमारे नया मदरसा बॉयज हाई स्कूल था पूरी बिल्डिंग गिर चुकी है कुछ भी नहीं है जिसके फोटोग्राफ की बुकलेट में है सर आप तमाम को जो है हम देंगे अब वो बिल्डिंग को हम रिकंस्ट्रक्शन करें तो भी जो है स्कूल वहाँ चला सकते टेम्प्ररी यहाँ की बिल्डिंग में शिफ्ट करें उसके लिए जो है सर तकरीबन 149.66 लाख एस्टिमेट 3 फ्लोर था क्योंकि जगह छोटी है उसको G+2 सर उसके बाद जो है ये गवर्नमेंट एडेड है और ये बिल्डिंग सर ये जो बिल्डिंग है गर्ल्स हाई स्कूल की तो एक्सपीरियंस नया मदरसा और गर्ल्स हाई स्कूल दोनों मिला के बिल्डिंग का एक एस्टिमेट बनाया गया है 197.6 लाख हो रही G+1 तो ये बहुत ज़्यादा लंबे रहेंगे 140 फीट तक रहेंगे जिसमें पूरा किचन खाने का डाइनिंग का टॉयलेट टीचर के लिए रेडिंग रूम तमाम उसमें मौजूद है और एक लाइब्रेरी बिल्डिंग के लिए एक एस्टिमेट बनाया गया है सर। मैं साहब से गुजारिश करूंगा हमारे चेयरमैन साहब से गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे जगह है G+1 स्कूल के लिए उसके लिए एस्टिमेट 50 लाख का बनाया गया विद इंफ्रास्ट्रक्चर फर्नीचर बुक्स वगैरह के लिए तो गुजरात साहब के हाथ से तमाम से मौलाना से भी मैं गुजारिश करूँगा कि जो भी हम प्रपोजल बनाए हम आपके सामने रखेंगे और कई काम जो है हमारे को यहाँ पे करना है सर टाइम टू टाइम आपसे बोलेंगे मगर सबसे पहले मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि गुजरात साहब हालांकि यहाँ के कोई MLA नहीं थे क्योंकि नहीं थे तब भी उन्होंने यहाँ पे हमारे पायलट ड्रॉप किया लेडीज के लिए अपने पीरियड KKRDC के चेयरमैन थे और यूनिवर्सिटी के और माननीय के जो है MLA भी थे साहब तो वो दिलचस्पी रखते होंगे पूछने वाला हूँ
यहाँ पे इस दायरे में ऐसा था कि किसी को एंट्री नहीं थी, इस वजह से इदारे खराब देती थी। अगर जाके हम बोले तो क्यों नहीं यूज करते। और यहाँ पे जो है टीचर जिसके प्राइमरी स्कूल है साहब वो भी करें। और यहाँ पे लाइब्रेरी बिल्डिंग है, लाइब्रेरी बिल्डिंग की जरूरत है मुझे इमीडिएट करके दिए। तो काम से आता अपन क्या हम उनको छोड़ देना है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी सामने रखना है, जो लीडर्स हैं उनके सामने रखना, बचे हुआ काम उन्हें करना है, उनकी जिम्मेदारी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अब बाकी के हमारे मेहमान खुशी जो है वो उनका अच्छा ख्याल करें। मैं राम करता हूँ, मेरा उसी है पहले सलाम करता मुखालिफत से मेरी शख्सियत समझती है, मुखालिफत से मेरी शख्सियत समझती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। एक नाम है मुस्तफा है जो बढ़कर घटा नहीं, वरना हर एक पुरुष में तिन्हा जवान है। और तमाम मौजूद आईडी ने सियासत के दरमियान आप सभी तलबा और तलबा तालिबात के दरमियान और आईडी ने शहर के दरमियान हाजिर होकर बेपना तंदी रूहानी खुशी का एहसास करता हूँ। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपके जिला वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन हजरत मौलाना फरीद खान साहब का कि उन्होंने आज की हमारी इस आमद में अपना एक अहम किरदार और रोल अदा किया। और गायबाना वो आप तमाम की हमारे सामने हमारे सदर मोहतरम के सामने बार बार जिक्र करते रहे, तारीफ करते रहे। खासकर भोसराज साहब के बारे में बेचारे बेंगलोर में भी यहाँ भी कई जगहों ने जिक्र किया कि कौमी मिली मसाइल में जब कभी कौम इनके पास जाती है तो ताउन करते हैं, खुले दिल से, खुले दिल से ताउन का वादा करते हैं। वो हमारे दरमियान अभी तशरीफ ले गए किसी काम से, बड़े मुताहरिक बड़े बड़ा नौजवान हैं, आपसे गुजारिश करता हूँ उनका साथ दें। वो कोशिश कर रहे हैं, हमें इल्म है इसका, हमें इस बात की जानकारी है। आज की इस बैठक में मुझे हाजिर होकर प्रस्तुति और हमारे सदस्य आपके लिए तरीकत को बेपना सलमी रूहानी मसरत और शादमानी हासिल हो रही है। देखिए यह तालीमी इदारा है और गर्ल्स हाई स्कूल है। अभी जिक्र कर रहे थे हम लोग कि जिस शहर में भी जाते हैं लड़कियां ख्वातीन आगे नजर आती हैं तालीम हासिल करने में, समाज की खिदमत करने में। औरतें हर जगह, लड़कियां हर जगह पेश पेश नजर आती हैं। मैं आप तमाम मौलिमात को और आप तमाम तालिबात को यूसुफ बलाला जई का वो कौल नोट करके खराज अकीदत पेश करता हूं। उन्होंने एक मौके पर यूएनओ में ये कहा था, देयर वाज अ टाइम When women ask men social activists to stand for their rights, but now the time is over. We stand by ourselves to fight our rights. उन्होंने ये कहा कि जमाना था कि हम ख्वातीन मर्दों से समाजी खिदमत गुजारों से कहा करते थे कि आप हमारे हकूक की लड़ाई लड़िए, मगर वो जमाना खत्म हो गया है, हम अपने हकों की लड़ाई खुद लड़ेंगे। उसका एक बेहतरीन मुजाहरा आज आपकी प्रिंसेस फातिमा हाई स्कूल में देखने में आ रहा है। अल्लामा इकबाल ने सही कहा था, वजूद जन से है तस्वीर कायनात के रंग, इसी के साथ से है जिंदगी का सुर से जुनून। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप अब बेदार हो चुकी हैं। हमारे हिंदुस्तान में औरतें बेदार हो चुकी हैं, अपने हकूक की लड़ाई लड़ने का वो फन जानती हैं और हर मैदान में फिक्र अमल में आप आगे नजर आती हैं। खासकर तालीम के मामले में हमारी मुस्लिम कौम के हवाले से जमाने पर शिकायत है और शिकायत बिल्कुल बर्खास्त है कि आप एजुकेशनल फील्ड में तालीमी मैदान में पीछे हैं। हमें तालीमी मैदान में आगे आने की जरूरत है, जद्दोजहद करने की जरूरत है
हालात को अपने फेवर में सरकार बनाने की जरूरत है। अगर मैं उर्दू अकेडमी के चेयरमैन के हिस्से से शेर शायरी में अपने इस ख्याल को पेश करूं तो दो बातें आपके सामने रखूंगा। अकबर इलाहाबादी ने यह बात कही थी, हम क्या कहें, हम क्या कहें अहबाब क्या सारे नुमाया कर गए, हम क्या कहें अहबाब क्या कार्य नुमाया कर गए, बीए हुए नौकर हुए पेंशन मिली फिर मर गए। लेकिन अकबर इलाहाबादी ने जिस जमाने में बात कही थी वो जमाना बस ऐसा ही था। लेकिन अब तालीम के मैदान में हर कौम आगे आ रही है, खासकर हमारे खवाती बहुत आगे हैं। इल्म का जो नजरिया है मौजूदा जमाने में बहुत बदल चुका है। द स्पीड ऑफ एजुकेशन इज वेरी वर्सटाइल, एजुकेशन इज द मदर ऑफ लीडरशिप, एजुकेशन इज द वैक्सीन फॉर वायरस। तालीम की जरूरत है और हर मैदान में तालीम की जरूरत है, और तालीम का मैदान इतना वर्सटाइल इतना वसी हो गया है कि मीर तकी मीर ने सैकड़ों बरस ये बात पहले कही थी। मैं ये भोगरा साहब को हजरत अल्लामा सलील हाजमी साहब की जानिब से नज़र करता हूँ। वो कहते हैं क्योंकि इंसान को जितना तजुर्बा होता है ना उतना ही कमी का एहसास होता है। आदमी की उम्र जब ज्यादा हो जाती है तजुर्बा ज्यादा हो जाता है उसका फील होता है कि अभी मैंने कुछ सीखा नहीं, अभी मैंने कुछ जाना नहीं, अभी मैंने कुछ किया नहीं। तो मीर तकी मीर कहते हैं कि यही जाना कि कुछ ना जाना हारे, यही जाना कि कुछ ना जाना हारे, सो भी एक उम्र में हुआ मालूम। जब उम्र के हम आखिरी पड़ाव में पहुंचे तब एहसास हुआ कि अभी मैंने कुछ नहीं जाना। मैं समझता हूं कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं। इस बात का एहसास बुजुर्गों को होता है, बुजुर्गों से पूछिए, बहुत सारा साहब से पूछिए, अल्लामा सलील हाजमी साहब से पूछिए, सैयद अमीन साहब से पूछिए, और आपके दरमियान जो बुजुर्गाने दीन बैठे हैं यहाँ पर साहिबीन बैठे हैं उनसे पूछिए। तो इल्म के मैदान में हमें आगे आगे और तरक्की करने की जरूरत है। और इल्म का मकसद क्या है, अल्लामा इकबाल कहते हैं अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी जितना, औलाद भी औलाद की जागीर भी जितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी जितना, ना हक की ना शमशीर ही क्या चीज है, शमशीर ही क्या है, नारे तदबीर भी जितना। तो तालीम का मकसद हमारी इतना है, हमारे बातिन की इतना वेरी पर्पस ऑफ एजुकेशन है टू रिफॉर्म अवर सेल्फ, टू रिफॉर्म अवर सोर्स, टू रिफॉर्म अवर इनर फैकल्टीज, to reform our society, to reform the humanity, to reform the whole community. ये है तालीम का बुनियादी मकसद। और मुझे आज आपकी महफिल में यह तंजीद की मतानत नज़्म ज़ब्त देखकर बड़ी खुशी हुई कि आपने तालीम का मकसद समझा। सिर्फ 1,00,000 रुपया बजट दिया था, 1,00,000। ये उर्दू की भी तौहीन है, अहले उर्दू की भी तौहीन है। मगर देखिए जनाब मोहतरम मकाम इज्जत मान सिद्धारामैया जी की गवर्नमेंट, डीकेसी कुमार जी, हमारे वजीर असलियत जनाब अलहाज बीजत जलील अहमद साहब का खास करम कि अबकी मरतबा हमारा जो बजट है वो 1.5 करोड़ रुपया है उर्दू अकेडमी का, 1.5 करोड़ रुपया। 10 अगस्त को सकाशा उर्दू अकेडमी के ऑडिटोरियम में जश्न उर्दू 10 अगस्त को मनाया गया, वहाँ अली जनाब बीजत जलील अहमद साहब भी थे और अली जनाब मोहजर मुशीर सियासी मुशीर जो आदरणीय चीफ मिनिस्टर तगड़े साहब जनाब नसीर अहमद साहब भी थे, राजू शेख दशम के एमएलए भी थे, बिल्किस बानो साहिबा एमएलसी भी थी, तमाम कर्नाटक मराठी कमीशन के चेयरमैन, कर्नाटक मराठी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन, कर्नाटक भगोड़ के चेयरमैन, सभी हजरात मौजूद थे उनके सामने। स्टेट लेवल के शोरा के दरमियान हमने ऐलान किया कि भाई ये कर्नाटक की एक जबान हिंदुस्तान की जबान उर्दू भी है, हिंदुस्तान की जबान उर्दू है, उर्दू बाहर से नहीं आई है, उर्दू इतनी सेकुलर जबान है कि उर्दू ने अपने दामन में अंग्रेजी को फारसी को अरबी को संस्कृत को हिंदी को सब अपने दामन में समेट लिया है। इतनी वसीम और मशहूर जबान, इतनी अजीम और सेकुलर जबान, तो यह जबान हिंदुस्तान की जबान है और ये जबान 400 साल के करीब अरसे में सारी दुनिया में तकरीबन बोली जाती है।
ये आलमगीर जबान है, तो इस जबान के साथ ना इंसाफी क्यों? मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कम से कम उसका 25 करोड़ रुपया बजट हो, तो अभी जनाब बीजर जमीर अहमद साहब ने हमारे फंक्शन में आकर ये वादा किया कि आने वाले बजट में इसका अंदाज कर्नाटक उद्योग अकेडमी को 10 से 15 करोड़ रुपये देंगे। उन्होंने वादा किया है, अभी मैं जनाब घोषणा साहब से गुजारिश करूंगा कि वो जनाब बीजर जमीर अहमद साहब से मुलाकात करें और हमारे गुजारिश करूंगा और तमाम जो हमारे कांग्रेस के यहाँ के जो लीडर हैं और आप तमाम काउंसिलर से गुजारिश करूंगा कि आप इस बात पे दबाव बनाएं कि हमारा बजट 10 से 15 करोड़ हो जाए तो आपकी लाइब्रेरी की इमारत के लिए भी इंशाल्लाह बजट पास करें। खासतौर पर यहाँ पे जो तकलीफ है सबको मालूम है, साजिद से पूरा खुला बोलते क्या हालत है, खराब हालत में जो बिल्डिंग से हमारे अभी भी बोले साजिद साहब एस्टिमेट करें ओपन इंजीनियर होते हैं एस्टिमेट खुद कर कर नमूना आपके सामने रखे हैं। पूरे बिल्डिंग के इंजीनियर थे हमारे अभी एक इंजीनियर होते रिटायरमेंट होकर एक कानूनी मिलत का काम करने के जज्बा रखते हैं पूरे हमारे मेम्बर जिला का काम करे और खास कर जो टीचर्स की सैलरी से हर महीना हाथ से पैसे देना पड़ा है, हर महीना हाथ से पैसे देकर बस बड़ा ये कर रहे। मैं घोषणा साहब से मैं आगे कोई सभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है मैं बोला हूँ, मैं आप सभी के सामने गुजारिश रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हमारे को ये गवर्नमेंट एडेड स्कूल होते हुए ये फंड हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए जो फंड होते थे वो हमारे कानून नहीं आता उसमें नहीं आता इसमें नहीं आता बोले स्कूल बिल्डिंग खुद देता तो मैं एडेड स्कूल देने नहीं आता बोल बोले नहीं तो अब तक साफ कभी बुला लेते घर पर। लेकिन खास करके आज पूरे मुझे हमारे उर्दू अकेडमी के चेयरमैन साहब की खास करके उर्दू अकेडमी चेयरमैन साहब का हमका खुद का ग्रैंड होता है जैसे इधारों को मदद करने के ये रख सकते। मैं खासकर गुजर साहब को बोल रहा हूँ बोलना चाह रहा हूँ सर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब हालत में है बिल्डिंग देखने और नया मदरसा है वो बिल्डिंग बहुत जरूरी है कम से कम एक 5-6 करोड़ की बिल्डिंग को जरूरत है हमारे 5 से 6 करोड़ खाली बिल्डिंग को लेना और टॉयलेट है लाइब्रेरी है ये छोटा मोटा हम हमारे हाथ से क्या काम करते होता है बड़ा काम नहीं। लेकिन ये बिल्डिंग जो हमारे जो 5 करोड़ का ग्रांट है ये पूरे वो कानून में नहीं वो कानून में नहीं खाली रोड बनता है इसीलिए हम आज से अगर घोषणा से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप पैसा दिलाते क्या दिलाते आपके मायने में हमारे को ये जो बिल्डिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर आप काम करने सकता थे ये तुम्हारे मालूम है मैं दे रहा हूँ आज सबके सामने जो मैंने का काम वो काम हमारे साथ करके बता दो इसीलिए मैं पूरे एनडीए कमेटी के तरफ से रिक्रूट के पूरे अहम की तरफ से मैं आज खास करके गोड्रा साहब को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ ये दो बिल्डिंग बहुत जरूरी है जरूरी है हमारे लिए इसलिए दो बिल्डिंग आपको मंजूर दिला दिए मैं क्या रिक्वेस्ट करना चाहिए खास और उर्दू अकेडमी के बाद चेयरमैन साहब जो आए मैं उनको भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपके ग्रैंड में जितना ज़्यादा ज़्यादा हो सका इस दिवाले को आपकी भूल खोल के तमाम सुनते ताकि जो हालत है हमारा उर्दू अकेडमी का बहुत ही उर्दू अकेडमी खत्म होने के कगार पे ठहरा है। लेकिन ये लोग कमेटी के लोग अपने जेब से पैसे डालकर डाल कर आना टीचर को गाय देने का काम करे इसलिए इस वक्त का हिम्मत अफ्रह करना हमारे हाथ से हमारे बड़े बड़े सचिव साहब है मैं हूँ और सभी लोग हमारे हाथ से क्या आता है हमेशा साथ देकर काम कर रहे मगर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता और हमारे चेयरमैन साहब साधु साहब कहने वाले मैं खासकर इसकी बोलने के लिए डायरा बोल रहा था ये दो बिल्डिंग के लिए किसी की तरह मंजूर दिलाने कार्यक्रम कार्यक्रम अध्यक्ष वह करता पूज्य सैयद तल्य अस्मे ನಮ್ಮ ಉರ್ದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೇಳುವಂತೆ ಈಗ ಸಾಹಿತ್ಯವರು ಬಹಳ ನೌಕರಿದಾರರಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಿನ್ಸಿಯರಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಸಾರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸರಿಗೆ ಆಸೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಸರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಸಾಹವಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾವು ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ರೈತರು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ನಾವು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಾಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿಸೋದಾಗೆ ಇಂದಿನ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಲೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಏಡಿಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಅನೈಡೆಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ನಾನು ಚುನಾವಣೆ ಬಂದರೆ ಸರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ಸಂತಣ್ಣಿಂಗ್ ಒಳಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ನಾಲ್ಕರ ಮತ್ತು ಪಿ ಇ ಒ ಟಿ ಡಿ ಪಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏಡೆಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ 28 ಶಿಕ್ಷಕರು ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ 5026 ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಹೋಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಇದು ಒಂದು ವಾರ ಆಯ್ತು ಆಗಿ ಈಗ ಅದರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇವತ್ತೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಆಯಿತು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇರಬಾರ್ದು ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸರ್ಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಐದು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಎವ್ರಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಒಂದಾಗ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆರೋಗ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆರಡೂ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಬಡವೇ ಇದೆ, ಅದು ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ನಾವು 80,000 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ 1,250 ಕೋಟಿ ಈ 360 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು. 1,250 ಕ್ರೋರ್ 25% ಅವರ ಪರಿಪಾಲಿಸ್ಬೋದು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಂದಿಲ್ಲ 5,000 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಜೆಟ್. ಈಗಾಗಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ 25,000 ಕೋಟಿ 2,250 ಕೋಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು 25% ಅವರ ಬಜೆಟ್ ಒಂದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ 7 ದಿನದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ವಿ. 1,250 ಕೋಟಿ ಈ 360 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಅಟ್ ಮನಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈಂಡ್ ಮಧ್ಯೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರಿ, ನಾನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಜಿಟ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾನಂತ. ಈ ಶಿಕ್ಷಕರು ನೇರು ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಆ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡೋಣ. ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಏಡೆಟ್ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ಅದು ಮೊನ್ನೆ ಅಸ್ಮಾತ್ ಅಭಿಮಾನಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕೆಲವು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪೋಸ್ 1995 ಮೊದಲು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏಡೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಂತು. ಕೇವಲ 8 ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿ ಎಂ ಏನಾದರೂ ಒಂದಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಜೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂಥ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಡುಗೆ ಇದೆ. ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಯಾವಾಗಲೇ ನಾವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಾಯ ತರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ಏಡೆಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಕೈತು ಕೊಡಬೇಕು ಕಟ್ಟಡ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಬಂದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವೇ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇನಾದರೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗದೆ ನಮಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಲೋಕಸಭಾ ಸಂಸದರು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಒಂದಿದೆ ಸರ್. ಬಿ ಎ ಡಿ ಪಿ ಬಿ ಇ ಓ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ರಾಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳೋದು ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆಯದರಲ್ಲ ನಮಗಾಗಲೇ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಾವು ಕೆಲವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೇ ಈಗಾಗಲೇ ಅದು ನಾವು ಈಗಾಗಲೂ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇಶಬೇಡ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಸಾಹೇಬ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಬಂದ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಳಿಬಿಡಿ. ಅದು ಪೋಯ್ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ರೂವ್ ಆದಮೇಲೆ ಆರ್ಡರ್ ತಂದು ಕೊಟ್ವಿ.
सुरेन आओ हम चलन के देवा की करेंगे और आज तो हम बंदे और कहीं के बोली बच्चे लोग बोल रहे हैं तो ऐसा ना ये लोग पढ़े आओ अध्यक्ष सब तक तो जल्दी रहे करना चाहिए तो राज बाल लोग जेले राज बाल लोग से और कहीं फोटो होगी मैं जाकर नोट के बंदे ले रहा बारी की मर्ड चला क्या पट मर रहे थे आदरे आदेश वाला अर्थव्यवस्था मर रहे रंजन बना रहे थे कंप्लीट मार रहे थे ना कैसे मरते हैं तो आदेश ये भी करना आज मैं सच के देखो मरते थे नहीं बहुत मिट्टी को हमारे जमीन सब मैंने जल्ले बोर्ड लगे चल दो पहले अगर इतने हम था तो जाकर ले जाओ तो मार भी करता तो कैसे बेटू मर रहे थे साजी मालूम ना गाड़ी ऐसे चालीस मालूम जगह पर कोर्ट का कुर्सी डिस्ट्रिक्ट हेड कोर्ट से मार दो जाके यार केवल जाके आप पर मार दो जगह तभी सब रोड होगा आप तो लक्ष्य पे पड़े हैं ना आप पर लाएंगे क्या नहीं घड़ी तय है ऐला यार मंगेश सर साहब मुझे प्रकृति में ऐला बाय इंटर से कोर्ट कर दिया उस मार दिया ऐला मैंने केवल ऐला आप पर लक्ष्य रोक ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ಗಳನ್ನು ಚೇರ್ಮನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕೆಲವೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಗೊತ್ತಿರ್ತೇವೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಸಮಂತ ತಯಾರಿ ಯಾರಪ್ಪ ಈ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಬೇಡಿ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಚೇರ್ಮನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಟೈಮ್ ಒಂದೇ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನೀವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಇತರ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಈ ಹೋರಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಸಮಾಜದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇದೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇರಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಫೀಸ್ ಇದು ಕಟ್ಟಡ ಮಾಡೋಣ ಜಾಗ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಆಫೀಸ್ ಜೊತೆ ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಏನೇ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಾನಾಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಸರಿ ಹೋಗ್ತವೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಮನೆ ನಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅದೇಷ್ಟು ಮೈನಾರಿಟಿಗಳಿಗೆ ನಾವೀಗ ಅನೇಕ ಮನೆ ಟೆನ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಜಮೀನ್ ಬಾಯಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಓಲೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಮಾಡಿ ಬೈಲನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ 5 ಕೋಟಿ ಮಾನವಿಕ್ತಾರೆ ಮಾನವಿಕ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸುಧಾರಣೆ ಭಾಳ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ ಜಮೀನ್ ಬಾಯಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ನಗರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನುಮಾನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ನೀವು 1969 ನಾನು 1969 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸೇರಿದ್ದೀನಿ 55 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೂ ನೆನಪಿರ್ತಾರೆ ಇದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಇದೇನಿದೋ ಒಂದೊಂದು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡೋಣ ಕಮಿಷನರ್ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸರ್ಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೋ ಅವ್ರ ಲೆವೆಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಅವ್ರು ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಅಂದರೆ ಅಲಂಬೆ ಸರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ನಾಳೆ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾಹೇಬ್ರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಓದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಯ ಏರ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಯ ಏರ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಅವ್ರು ಇದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನ್ಯೂಸ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ಬೋದು ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಸೋದರ ಸಿಗುವಂಥ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹತ್ತಿರ ಆಗಬೇಕಾದ್ದೆಲ್ಲ ಇವರಿಗೂ ಹೊರತು ನಾನು ಮಾತನಾಡಬೇಕು